हर हर महादेव। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कावड़ की है। मान्यता के अनुसार भगवान पशुराम ने सबसे पहले कावड़ यात्रा शुरू की और पशुराम के गढ़बत्तेश्वर के धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के एक भागपत के पास स्थित पूरे महादेव को गंगा जल से अभिषेक किया। उस समय सावन मास चल रहा था। इसके बाद कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। ऐसे तो कहा जाता है कि सबसे पहले यात्रा सरण कुमार ने की थी। जब उनके माता पिता ने गंगा स्नान करने की इच्छा जताई तो वह उन्हें कावड़ में बिठाकर यात्रा करने निकल पड़े। इसके बाद हरिद्वार पहुंचे और गंगा स्नान कराने लगे। जल के साथ साथ बोलने लगे, यह एक पवित्र और कठिन यात्रा है जो पूर्व भारत के भक्त, विशेष रूप से उत्तर और भक्त भारत के विभिन्न पवित्र स्थानों में गंगा जल लाने के लिए करते हैं और गौमूत्र, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार की श्रद्धालु इस यात्रा के दौरान पवित्र गंगा नदी से डुबकी लगाते हैं और कावड़ की ओर कंधा कंधे पर लेकर जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति पाने के लिए कावड़िया गंगा जल भरकर कावड़ में रखते हैं और इसको लेने के बाद कावड़ पैदल अपनी यात्रा पूरी करते हैं, वापस आते हैं। यह यात्रा दौरान अपनी पवित्र प्रसिद्ध मंदिरों में और नदी मिलान में यात्रा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव के जल को अर्पित करने के बाद वह, कहा जाता है कि हिंदू महीने सावन महीने से पहले कावड़ की यात्रा शुरू हो जाती है। इस साल कथित और इंसान यात्रा से 3 करोड़ से ज़्यादा शिव भक्त शामिल होते हैं। उम्मीद है कावड़े जो शिव की भक्ति और सरल हर साल भगवान के चढ़ाते हैं। गृह नगरों के गंगा की प्रथम, जब धार्मिक शास्त्रों के जानकारी अनुसार भगवान शिव के भक्त श्री भगवान पशुराम को पहला कावड़िया माना जाता है, जिन्हें कावड़े की यात्रा इस शब्द के उत्पन्न कैसे होता है और अर्थात ऐसे व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति उनके लिए अनेक प्रकार की कठिनाई पर बाधित हो जाता है और कावड़ के कावर जिस अर्थात युवराज, राजपूत, नेपाली भारतीय व्यक्ति, उपनाम के राजपूत भी और जाटपूत आदि भी सदस्य होते हैं। बम बहादुर से बोले नेपाल शिव महिमा के लिए माना जाता है और तीर्थ यात्रा की तैयारी स्वधर्म करने वाला त्याग मानसून महीने और महीने के सावन महीने जुलाई अगस्त के दौरान चलता है। यात्री कावड़ लेकर चलते हैं और मन मानचित फल पाने के लिए वो निकल पड़ते हैं। सावन मान से पहला कावड़िया के कुछ वेदांत के कहते हैं कि पहले त्रेता युग में सावन मास के कुछ पलों में कावड़ यात्रा माता पिता के तीर्थ यात्रा करने के लिए होता है। इस दौरान सावन के हिमाचल के उन क्षेत्रों में भी जाने के आधा अनेक पिताओं के माया के अन्य हरिद्वार से गंगा जल स्नान कराने की इच्छुक प्रकट करते हैं। देव सूर्य सागर के वक्त में समुद्र मंथन के लिए विश्व के पीकर भगवान शिव ने लोक कल्याण की किया, लेकिन विश्व के तस्पिस से उसका काफी परेशान रहे सम्मान करना पड़ा था, जिसके लेकर देवताओं का यह तय किया कि अगली तीर्थ और कुंभ स्थल पर जल महादेव के अर्पित किया जाएगा जिससे वह आराम मिलेगा। कहते हैं कि डाक कावर वाले कावड़िया बिना रुके आते हैं और जाते हैं, लोगों का कहा विश्राम नहीं करते हैं, इसलिए जब तक डाक कावर मंदिर आती है तो मंदिर में ही इसे स्थापित व्यवस्था करते हैं और इसके लिए रास्ता साफ रखना चाहता है ताकि ये बिना रुके ही सीधे ही शिवलिंग को जल चढ़ा सके। हरिद्वार में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित वास्तु मिश्र से बताया कि कावड़ में जल भरकर आप अपने मनोरक्षण पूर्व करने का एक विशेष स्नान करते हैं जिससे भगवान पशुराम की अपनी मनोकामना पूर्ण करने की लिए सबसे पहला कावड़ माना जाता है। यह दूल्हा देव, बहन देवी, ठाकुर देव, सरकार देव और सगाई देवी मती के भव जरी में सहित देवताओं का पूजा करता है और जैसे जैसे राजस्थान और कुंभ जिन प्रताप के नाम से 6 समूह और नाम वर्धित करता है, कांवड़ को लेकर भक्त अपनी सच्ची भक्ति भाव को प्रकट करता है। जिस प्रकार से कांवड़ अपनी सच्ची भक्ति पर लगा रहता है
उसी तरह से उनका मन, चित्र और आत्मा पवित्र शुद्ध रहती है। कहते हैं भोले, जब तक आप अपने दर्शन नहीं देंगे और आपके घर पर जाकर हम जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हमारी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। तो चल पड़ते हैं भोले नंगे पैर भोले की आस्था भावना करने। भोले हर किसी की बात सुनता है, चाहे भक्ति या भाव अपने अंदर रखकर प्रकट करके भोले की आस्था भावना को निकल पड़ते हैं भक्त सारे। और धूप छांव या बारिश हो या कुछ भी हो, वो निकल पड़ते हैं राह में। ये नहीं देखते कि पैर में छाले पड़े हैं या पांव में कंकड़ बुड़ रहे हैं, वो नहीं सोचते। लेकिन जो भोले की स्तुति में चलता है, भोले के नाम पर चलता है, भोले उसके साथ चलते हैं और उसके साथ हमेशा भगवान शिव का आगमन रहता है। ये आप प्रण करके चलते हैं कि हम आज चले हैं, किसी को 10 दिन, किसी को 12 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 10 दिन हो जाते हैं। इस कावड़ को ले जाने का भी अर्थ है कि अपने माँ बाप को, अपने पिता की, अपनी फैमिली के लिए ये कावड़ लिया जाता है और उनकी मनोकामनाओं के लिए भी हम ये चल को जाते हैं। मैंने अभी सुना था, कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम अपनी भोली के लिए भी ले रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, अपने मन की बात किसी ने हमें बताई, किसी ने नहीं बताई। ये कावड़ ले आना भी बहुत बड़ी बात होती है, एक संकल्प होता है जो इंसान लेकर चलता है और उस संकल्प को लेकर वो अपना प्रण करता है कि मैं इस गंगा जल को प्रण कर रहा हूँ और मैं जिस जगह पर जाऊँगा इस जल को अर्पण करूँगा भोले के ऊपर। चलिए सभी भक्तों को मेरा फिर से प्रणाम। जो भी इस चैनल को देख रहा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर।